साथियों नमस्कार। जो जो साथी जुड़ते जाएं थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दें सभी ग्रुपों में, जहाँ जहाँ पे आप लोग जुड़े हों थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो जो भी जुड़ता जाए थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो जो साथी जुड़ता जाए थोड़ा सा वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। जिन जिन ग्रुपों में आप लोग जुड़े हुए हों वहाँ पे वीडियो को शेयर कर दीजिए। पचास लोग जुड़ चुके हैं, और लोग भी जुड़ जाएं, वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर बात को शुरू करते हैं हम। गुड मॉर्निंग स्मृति सिंह जी, गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ पांडे भाई, बिल्कुल बढ़िया हैं, अपने बताएं। आप लोग थोड़ा सा फ़ोन मत करिए अभी फ़ोन मत करिए, बात करते हैं आप लोगों से बाद में। जो भी साथी फ़ोन कर रहे हैं अभी थोड़ा सा फ़ोन ना करें। राम 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 भाई। एक सौ एक लोग जुड़ चुके हैं, और लोग जुड़ जाएं थोड़ा बता दीजिए आवाज़ आ रही कि नहीं। विप्लव द्विवेदी 22,000 सीट पर भी बात करेंगे, सब पूरी बात करेंगे। ज्वाइनिंग लेटर कल क्यों मिला रोहित मिश्रा जी, सर आपको नियुक्ति में दे रखे हूँ। हमारा थोड़ा सा इरर का मामला था, ओबीसी कितने मार्क पर जाएगा बताते हैं, सारी बातें करते हैं। थोड़ा सा आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अन्य ग्रुपों में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रेखा सिंह, आप लोग शेयर कर दीजिए, तब तक हम भी शेयर कर रहे हैं। मतलब दो चार पांच जो ग्रुप बने हुए हैं उन पे सब पे शेयर कर दें, जिससे कि बार बार हमको बात रिवाइंड ना करनी पड़े, रिकॉल नहीं होना चाहिए। लोकी राज भाई नमस्कार। चलिए अच्छा, जो लोग हैं वो जुड़ते जाएंगे, अब हम बात को शुरू करते हैं। देखिए 69,000 भर्ती के सभी चयनित साथियों को पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के सहयोग से, और हम सब एक साथ में रहे इस वजह से अंततः ये भर्ती अब अपने अंतिम चरण में चल रही है, और संभावित है दो चार पाँच दिन में सारी चीज़ें ख़त्म हो के और सभी का विद्यालय आवंटित होने के बाद पूरी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी। इस पर मतलब 69,000 का जो फ्रेश चरण था वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अब अगले चरण पे क्या होना है और कैसे चीज़ें होनी है इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, और विभिन्न मुद्दे हैं जिन पे थोड़ा सा कुछ चीज़ें आगे के लिए होनी ज़रूरी हैं उन पे हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप सभी लोग जो भी साथी 31,000 में चयनित होकर विद्यालय गए हुए हैं, या 37,000 में जो भी साथी चयनित होकर विद्यालय जाएंगे, आप अपने नैतिक दायित्वों से कभी भी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि आपका एक नैतिक दायित्व है। आप बेसिक में आए हैं बेसिक की व्यवस्था को बदलने के लिए, इस वजह से आपको विद्यालय में जाके अपना सर्वोत्तम देना है। प्रयास करिए कि जिस भी दिन जब आप विद्यालय में जाएं तो अन्य काम हो या ना हो, आपके इंचार्ज आपसे अन्य काम कराएं वो आप करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन आप जिस नैतिक दायित्व के लिए वहाँ पर गए हैं तो वो समय आप बच्चों को ज़रूर दें। ठीक है,
उसके बाद मुख्य बात करते हैं, कुछ मुद्दे हैं जिन पे लोग बहुत परेशान हैं। विद्यालय आवंटन कब होगा, रिक्त सीटों का क्या होगा, संशोधन मुद्दे पे बवाल जो चल रहे हैं उनका क्या होगा। देखिए, विद्यालय आवंटन के बारे में जहाँ तक की जानकारी मुझे मिल पा रही है, आज शाम को या कल तक शासन विभाग की तरफ से आपको आदेश आ जाएगा संबंधित BSO को, और उसके बाद विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। 31661 के होल्ड साथी जो किसी भी वजह से उनकी विसंगत के कारण उनको रोका गया था, 37339 के फ्रेश साथी और 37339 के होल्ड जो भी लोग थे, सभी को एक साथ में जिनको नियुक्ति पत्र जारी हो चुका है, उन सभी का विद्यालय आवंटन एक साथ में विभाग कराने की तैयारी में जुटा हुआ है। सबसे पहले अगर आज या कल में आदेश आ जाता है, जैसे कि जानकारी मिल रही है, संभवतः आज आ जाएगा आदेश 13 तारीख को, नहीं तो कल आ जाएगा। सबसे पहले महिलाओं से एवं विकलांग अभ्यर्थियों से प्रायोरिटी के हिसाब से उनको विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोगों का पुरुषों का रोस्टर जैसे पिछली प्रक्रिया में हुआ था, उसी तरह से रोस्टर की प्रक्रिया के तहत हमें विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। तो ये हुई हमारे विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया। अब बात करते हैं रिक्त सीटों पर क्या होगा। बहुत से 31661 में आपने देखे होंगे लगभग 2 से 2500 सीटें रिक्त चल रही हैं। 37339 में भी आपने देखा कि कुछ मुद्दों पर शासन ने बिल्कुल स्पष्ट दिशा निर्देश कर दिए हैं कि उनको आपको वैकेंट रखना ही रखना है। देखिए, अभी तक की जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे दो तरह की सीटें बिल्कुल रिक्त हो गई हैं। उन सीटों पर किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं बचा है। पहला, जो अभ्यर्थी अनुपस्थित थे वो बिल्कुल अब रिक्त हो गए हैं, क्योंकि शासन ने एक पुनः गाइडलाइन जारी करके 9, 10, 11 में अभ्यर्थियों को पुनः काउंसलिंग का मौका दिया था। अगर कोई अभ्यर्थी उस भी समय में काउंसलिंग में नहीं पहुंचा है तो वो सीट बिल्कुल मुक्त हो गई, रिक्त हो गई। दूसरा, 68500 एवं पिछली अन्य भर्तियों के चयनित जो भी अभ्यर्थी थे, उनको शासन ने सेम पदमान और सेम वेतन पे ग्रेड के लिए अपने विभाग में आने से मना कर दिया है। उनकी सीट को शासन ने पूरी तरह से रिक्त कर दिया है। तो दो तरह की सीटें लगभग पूरी तरह से रिक्त हो गई हैं। अभी हम इस मुद्दे से संशोधन एवं अन्य जो त्रुटियां हैं उनको अलग करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो आप ये मान लीजिए, अभी व्यक्तिगत मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, लगभग इन दो तरहों से कम से कम 5000 सीटें प्लस रिक्त चल रही हैं, दो तरह से सिर्फ। तो अब इन रिक्त सीटों पर शासन कब निर्णय लेगा, कितनी जल्दी लेगा, ये हम आप पे डिपेंड करता है। देखिए, जब तक विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी दूसरे चरण की और सीटों का पूरा परिसीमन नहीं हो जाएगा, तब तक की रिक्त सीटों पर शासन निर्णय नहीं लेगा। आप इस चीज़ को मान लीजिए, विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूरे होने के बाद शासन रिक्त सीटों पर निर्णय लेगा। और मैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि 100% थर्ड काउंसलिंग होगी, इससे आप निश्चिंत रहिए। ठीक, तो शासन अपनी रिक्त सीटों पर पुनः विद्यालय आवंटित एक नई लिस्ट जारी करके थर्ड काउंसलिंग के लिए अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। अब उस पर कितना आगे बढ़ता है, कितना कट ऑफ गिरता है या कितना चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। जब रिक्त सीटों का ब्यौरा आएगा, उसके सापेक्ष उन चीज़ों को निर्धारित किया जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए इसी के पैरेलल में एक संशोधन मुद्दा जो चल रहा है। आपने देखा होगा, शासन की तरफ से एक जियो सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें संशोधन के लगभग 22 बिंदुओं पर बिल्कुल स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए। तो उन स्पष्ट दिशा निर्देशों के तहत कुछ बिंदुओं को तो कंसीडर करने का आदेश दिया गया, किंतु कुछ को गड़बड़ कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। अभी पुनः शासन के विशेष सचिव अनुभाग 5 मनीष कुमार सर के यहाँ से एक सर्कुलर जारी हुआ, जिसपे कुछ बिंदुओं पर पुनः दिशा निर्देश मांगे गए कि अब आगे क्या होगा, कैसे क्या चीज़ें होंगी। तो संशोधन मुद्दे पर मुझे लगता है कि अभी चीज़ें थोड़ा सा बनेंगी, और क्योंकि शासन कहीं ना कहीं संशोधन मुद्दे को लेके पुनः पुनः विचार कर रहा है। अगर शासन विचार कर रहा है तो संभावना है कि शासन उन सीटों को होल्ड रख के बाकी सीटों पर शायद शासन आगे बढ़ने की मंशा में लग रहा है, क्योंकि शासन ने पुनः एक सर्कुलर जारी किया है और उन अभ्यर्थियों का ब्यौरा तलब किया है कि जिनका वजह से उन चीज़ों को रोका गया है, तो उनका ब्यौरा शासन ने तलब कर लिया है। ठीक, अब बात करते हैं कि इस मुद्दे को लेके फाइनली आपको आगे अब क्या होने वाला है। बहुत से अभ्यर्थी हमारे उस पर आते हैं तो कि किस तरह से चीज़ें आगे घटित होंगी। देखिए, जो मेरा व्यक्तिगत मत है, उस मत के हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि रिक्त सीटों पर तो शासन अब भर्ती को आगे बढ़ाएगा, किंतु जिनका ब्यौरा शासन ने तलब किया है, शायद उन सीटों को शासन होल्ड करे, उन सीटों को रिक्त रखे, कि उस पे आगे जिस हिसाब से उनका निर्णय होगा उस हिसाब से वो आगे चीज़ों को घटित करेंगे।
अब बात करते हैं 22,000 सीटों पे। देखिए 22,000 सीटों पे स्पष्ट रूप से मैंने कल पोस्ट भी लिख दी थी, आप सभी से अपनी बातें शेयर भी कर दी थी कि 22,000 सीटों पे बहुत जल्द संभावित है, 14 कल है, हमारे जो एडवोकेट हैं उनके यहाँ थोड़ा सा शादी की वजह से व्यस्तता है, तो 15, 16 या 17 मतलब 20 तारीख के पहले पहले 22,000 सीटों की हमारी जो याचिका है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच जाएगी। अब मुख्य बात यह है कि वहां पे याचिका पहुंचने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है वो उस याचिका पर ही निर्भर होगा और कोर्ट पर ही निर्भर होता, क्योंकि आप लोगों ने देखा हम लोग मतलब केस को लड़ने में तो आगे आते हैं लेकिन भविष्य नहीं बता सकते हैं कि केस में क्या इसका भविष्य होगा। ठीक, उसी ईमानदारी से केस को लड़ा जाएगा और उसी तरह से हम लोग चीज़ों का प्रयास करेंगे। संभावना है कि हो सकता है हम कुछ ना कुछ वहाँ से ज़रूर लेके आए। अब देखिए हम 22,000 सीटों को और संशोधन मुद्दे को प्रतीक्षारत साथियों के मुद्दे पे एक बहुत ही जेन्युइन बात कहना चाहते हैं। हो सकता है इस बात पे मेरा विरोध भी हो या मेरा समर्थन भी हो, मैं उस विरोध और समर्थन को मैंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। आप लोगों ने विरोध किया वो आपको अच्छा लगा, समर्थन किया वो आपको अच्छा लगा, लेकिन व्यक्तिगत मेरा मत है क्योंकि रिक्त सीटों के लिए भी प्रयास किया जाना है और 22,000 के लिए भी प्रयास किया जाना है। प्रयास तो होना चाहिए लेकिन सिर्फ प्रयास के फलीभूत होकर आप उसी को पकड़कर मत बैठिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद आपने देखा होगा कि शासन की तरफ से सुगबुगाहट शुरू हो गई है एक नई शिक्षक भर्ती के लिए। आप उस प्रयास को तो करते रहिए लेकिन आप एक नई शिक्षक भर्ती के लिए भी अपना कुछ समय निकाल कर देते रहिए, बाकी जैसा आप लोगों को उचित लगे कि लोग क्या करना चाहते हैं, सिर्फ प्रयास करना चाहते हैं या नई शिक्षक भर्ती को बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं, वो आप लोगों का अपना मुद्दा है। अब बात करते हैं नई शिक्षक भर्ती जो आएगी वो कब आएगी और कैसे आएगी। देखिए प्राथमिक में संभावना है अप्रैल या मई में, क्योंकि 25 दिसंबर को शासन की तरफ से स्पष्ट गाइडलाइन आ गई है, टेट की परीक्षा होने जा रही है। संभावना है 7 मार्च को टेट का एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बाद अप्रैल के लास्ट सप्ताह में या मई में एक नई शिक्षक भर्ती आने वाली है। नई शिक्षक भर्ती के पहले शासन को बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में अद्यतन संशोधन 26वां संशोधन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बहुत से साथी पूछ रहे थे, वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको याद हो अनंत कुमार यादव बनाम स्टेट 25 जुलाई 2017 को जो आदेश था उसके क्रम में शासन ने 20वां संशोधन किया था। 20वें संशोधन में 2 बार शिक्षा मित्रों को मौका दिया गया था, वो भर्ती हो गई है पूरी। शिक्षा मित्रों का वेटेज 25% का था वो जा चुका है। अब जब 26वां संशोधन होगा तो वो संशोधन होगा जो रामशरण मौर्य बनाम स्टेट के आधार पर शासन को गाइडलाइन दिया गया है कि अगर वो चाहे तो शिक्षा मित्रों को मौका दे सकती है। तो शासन उस संशोधन को करके जो भी अपनी मैंडेटरी चीज़ें होंगी वहाँ पे सेट करेगा 26वें संशोधन में, उसके बाद एक नई शिक्षक भर्ती को प्रकाशित करेगा। अब बात करते हैं नई शिक्षक भर्ती कितनी आएगी। लगभग देखिए 51,112 पद तो नई शिक्षक भर्ती में आने ही आने हैं। क्यों? क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिटर्न काउंटर में सरकार ने लिखा है कि मेरे पास 51,112 पद हैं। अब ये पद उससे बढ़ तो सकते हैं घट नहीं सकते हैं। बढ़ इसलिए सकते हैं क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट खाली होता रहता है, कुछ लोग रिटायर होते रहते हैं, तो संभावना है अगर 2-4-5 हज़ार भी बढ़ गए तो लगभग 55,000 से 60,000 पदों पे एक नई शिक्षक भर्ती आने की पूरी संभावना दिख रही है। और ये शिक्षक भर्ती उम्मीद है कि आपकी मार्च तक की 7 मार्च को एग्ज़ाम है तो अप्रैल या मई में इसको मान सकते हैं कि एक नई शिक्षक भर्ती आनी है। अब इसके बाद बात करते हैं नई जूनियर की भर्ती भी। आप लोगों ने देखा होगा शासकीय जो मान्यता प्राप्त विद्यालय होते हैं उनमें अभी 2-4 दिन पहले एक 7वां संशोधन किया गया है। आपको पता होगा लगभग 4,300 से 4,500 पदों के बीच में अध्याचन लगभग 1 साल से मांगा जा रहा है। अब शासन ने भी परसों बेसिक शिक्षा नियमावली में जूनियर जो शासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय होते हैं उनमें 7वां संशोधन करके BTC अभ्यर्थी जो थे उनको जूनियर में अपॉइंट के लिए संशोधन कर दिया है। अब वहाँ पे मैंडेटरी मानक क्या होंगे, वहाँ पर आपको जूनियर का टेट पास होना होगा। उसके बाद जैसे आप बेसिक में आने के लिए प्राइमरी में आने के लिए सुपर टेट की परीक्षा देते हैं उसी प्रकार से आपको वहाँ पे एक सुपर टेट का परीक्षा देना होगा। पहले टेट होगा फिर सुपर टेट होगा। ये 25 दिसंबर को जो टेट होने जा रहा है आप लोग इसमें अभ्यर्थन करेंगे उसके बाद सुपर टेट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो लगभग 4,300 से 4,500 पदों के बीच में जूनियर की भर्ती आने की पूरी संभावना है।
तो अब इन दो भर्तियों को मद्देनज़र रखते हुए मेरी आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि 22,000 और रिक्त सीट, ये मुद्दे हम लोगों के भी हैं, आपके भी हैं। इनको थोड़ा सा समय देते हुए, थोड़ा सा समय अपने नई भर्ती की तैयारी में भी यदि दिया जाए तो शायद संभावनाएं ज़्यादा बेहतर बनेंगी। बाकी हर एक अभ्यर्थी स्वयं के भविष्य के लिए और विवेक के लिए सोचने के लिए स्वतंत्र है, वो जैसा भी सोचे वो उचित रहेगा। अब एक मुख्य मुद्दे पे बात करते हैं, जो कि अभी कल हम देख रहे थे, कुछ दबेले नेता लोग हैं जो कि 31,661 में 56,000 प्लस रैंक पे हैं। अब वो असल में सरकार की जो गलत लिस्ट प्रकाशित हुई उस वजह से उनको प्रथम चयन सूची में नियुक्ति मिल गई। अब उनको ये लग रहा है कि अब हमको तो नियुक्ति मिल गई, हम तो अन्य लिस्ट से 2 माह सीनियर हो गए। देखिए, तो मैं स्पष्ट रूप से आपसे बता दूं, 37,339 का एक भी अभ्यर्थी यदि चाहता है कि सीनियरिटी मुद्दे पर हमें अपना पक्ष रखना चाहिए तो मैं उसका समर्थन करता हूँ, 100% समर्थन करता हूँ। मेरी टीम संभवतः उसका समर्थन करेगी, पूरी तरह से समर्थन करेगी। क्यों? क्योंकि एक ही लिस्ट जब 6 मई 2020 के आदेश के क्रम में भर्ती को आगे बढ़ाया गया, एक लिस्ट का प्रकाशन किया गया 1 जून 2020 को, अब उस लिस्ट से ही यदि भर्ती को 2 भागों में बांट दिया गया तो आधे अभ्यर्थी जूनियर हो जाएंगे और आधे सीनियर हो जाएंगे, ये कहीं का मानक नहीं है। और एक चीज़ आप स्पष्ट तौर पर सुन लीजिए, जब मैं अपने हित के लिए शिक्षा मित्रों से लड़ सकता हूँ तो यदि मेरा हित प्रभावित होगा तो मैं अपनों से भी लड़ सकता हूँ। मैं कोई लड़ने के उद्देश्य से आगे नहीं आ रहा हूँ। इस 37,339 का यदि कोई अभ्यर्थी चाहता है कि वो आगे आके इस मुद्दे को लड़े और उस मुद्दे पे हमें चीज़ों को दिलाए तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। और जल्द ही मेरी टीम के 5 सदस्य इस बारे में बातचीत करेंगे। अगर हमारी टीम में सामंजस्य बना तो सीनियरिटी मुद्दे को हम अवश्य लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप यकीन मानिए, अभी 2 साल बाद, आप शायद नहीं जानते हो, विशिष्ट बीटी 2004 बैच अगर कोई अभ्यर्थी हो उससे पूछिएगा, इसी तरह से वहाँ पे भर्ती हुई थी, 2 माह जूनियर हो गया एक बैच। अब उस बैच को एक इंक्रीमेंट बाद का मिल रहा है और उसका ही एक बैच एक इंक्रीमेंट पहले पा रहा है। उसी का एक बैचमेट इंचार्ज बना हुआ बैठा है, उसी का एक बैचमेट लोअर में बना हुआ बैठा है, तो भाई ये चीज़ कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक, आपको नियुक्ति मिल गई है, इसलिए नेतागिरी आप अपने पास रखिए। ठीक, आपको जो करना हो वो आप करिए। किस स्तर पे आपको नौकरी मिली है आप उन अभ्यर्थियों से पूछिए, जाके 37,339 की उन लड़कियों से, आप उन अभ्यर्थियों से पूछिए जिनका 74.70 और 80 गुणांक है और वो पहली लिस्ट से बाहर हो गई थी सिर्फ लिस्ट के बवाल की वजह से। ठीक है, तो इस वजह से सीनियरिटी मुद्दे पे आप ये मत बताइए हमें कि हमें लड़ना नहीं है, सीनियरिटी मुद्दा गलत है या लोग विसंगतियों को लाने के लिए यहाँ कर रहे हैं। हर एक अभ्यर्थी जिस दिन विद्यालय पहुँच जाएगा ये मुद्दा उस दिन उठाया जाएगा। क्यों? क्योंकि शासन की गलत नीतियों की वजह से कोई अपनी 35 साल की नौकरी में ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक, आप ये सोच रहे हैं कि हम अगर आपके बराबर बैठ गए आके तो फिर मेरिट डिसाइड होने लगेगी, तो भाई मेरिट पे लड़ाई करिए। बवाल पे मैंने शिक्षा मित्रों को भी नहीं झेला है तो मैं किसी को यहाँ पे नहीं झेलूँगा। अगर मेरी टीम मेरे साथ में रहेगी, हम 5 लोग बैठ के सामंजस्य बनाएंगे, हम 5 लोगों में अगर निर्णय हुआ तो हम सीनियरिटी मुद्दे पे अवश्य अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेंगे जाके। और मुझे यकीन है कि दूसरी लिस्ट को, कि ज्वाइनिंग डेट को पहली लिस्ट के ज्वाइनिंग डेट के पैरेलल में सीनियर करने का आदेश हो जाएगा। इससे ऊपर कुछ नहीं होना है, किसी की नियुक्ति कहीं प्रभावित नहीं होनी, कुछ नहीं होना है। दूसरी डेट जो होगी इसकी ज्वाइनिंग डेट पहली डेट के पैरेलल में सीनियर कर दी जाएगी। उससे आपको भी ऐतराज नहीं होना चाहिए यदि आप ईमानदार हैं तो, यदि आप दुबले हैं धोखेबाज हैं तो फिर आपसे कोई बात मतलब ही नहीं फिर तो। तो इसलिए मुझे आज स्पष्ट रूप से इसी वजह से लाइव आना पड़ा, क्योंकि सीनियरिटी मुद्दे पे मैं देख रहा हूँ कि लोगों में विसंगतियाँ हैं, तरह तरह की भ्रांतियाँ चल रही हैं। मैं लड़ने के लिए कोई तत्पर नहीं हूँ, ना मेरी टीम लड़ने के लिए तत्पर है। अगर कोई अभ्यर्थी हमारे पक्ष को रखने के लिए आगे आता है तो मैं उसका पूरा सहयोग करूँगा। मुझे बहरहाल इस मुद्दे पे अपना पक्ष कोर्ट के स्पष्ट रूप से सामने रखना है। क्यों? क्योंकि हम लोग अच्छे गुणांक वाले थे, हमसे नीचे के लोग चयनित भी हुए थे, तो ये चीज़ें उचित नहीं हैं। जब हम अपने हक के लिए, आप हमारे साथ 69,000 में हमारे हक के लिए जब खड़े थे, शिक्षा मित्रों से लड़ रहे थे, तब आपको नहीं लगा था कि नहीं हम आपके हैं। आज आप हमारी लिस्ट से टूट के 31,000 सीनियर बन गए गलत तरीके से।
अब आपको आज लग रहा है कि नहीं ये हमारे पैरेलल में आ जाएंगे तो हम भर्ती फंसा रहे हैं, ये चीज़ भाई भर्ती हो गई है और जिस दिन हो जाएगी पूरी उसी दिन इस मुद्दे को बिल्कुल उठाया जाएगा। हमारी टीम इस पे पहले बैठेगी और उस पे मंथन करेगी, हम पांचों लोगों में सहमति बनेगी, तब इस मुद्दे को हम बिल्कुल लड़ने आएंगे। क्यों? क्योंकि आप आज के 2 साल बाद जब इंक्रीमेंट पा के हमारी ही लिस्ट के आप अभ्यर्थी होंगे और आप 50,000 वेतन पाएंगे और हम 48,000 वेतन पाएंगे तो ये चीज़ किसी को बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि हम भी आपके ही साथ में अभ्यर्थी थे और इसी लिस्ट से आज के समय में लगभग 15,000 अभ्यर्थी ऐसा है जो आपसे अधिक मेरिट होता हुआ वो सेकंड लिस्ट में वेटिंग में बैठा हुआ है। आप लोग कभी भी खाली पोस्टों पे अच्छे लगते थे, हकीकत में बीटीसी की कुछ टीमों ने बहुत वर्क किया और वो आप लोग भी जानते हैं कि कौन वर्क किया, ठीक। तो इन चीज़ों को इस वजह से थोड़ा सा अभी दबा के रखा जाए, टीमों में सहमति बनाई जाएगी, फिर इस मुद्दे पे आप लोगों के बीच में चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, अब मुख्य मुद्दे पे हम बात करते हैं। हमारा एक भी साथी, मैं पुनः पुनः कहना चाहता हूँ, हमारा एक भी साथी जो इस 69,000 से विरक्त रह गया है कम गुणांक की वजह से या किसी भी वजह से वो चयनित नहीं हो पाया है, मेरा उससे स्पष्ट अनुरोध है और स्पष्ट मैं उससे कहना चाहता हूँ कि बेसिक में यदि उसको कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो मैं उसके लिए सदैव उपलब्ध रहूँगा। आप जहाँ जैसे जिस तरह मेरी मदद चाहते हो मैं उस तरह आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते आप हमारे हितों पे मत आइए, हम आपके हितों पे कभी नहीं आएंगे। हम आप समकक्ष में बैठे हैं तो हम आप समकक्ष में ही रहें, इस पर सीनियरिटी जूनियरिटी और इस तरह के बेवजह के मुद्दों को उठा के आपस में ही द्वेष भावना को बढ़ावा न दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 69,000 एक परिवार की तरह आया है बेसिक में, 69,000 एक परिवार की तरह ही रहने दीजिए बेसिक में। अगर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली गई तो ये चीज़ें फिर उचित नहीं रहेंगी। 37,000 एक धड़ में बैठ जाएगा, 31,000 एक धड़ में बैठ जाएगा और एक अच्छे शिक्षक होने के नाते ये चीज़ें उचित नहीं। भाई आप अपने हक के लिए तो कहेंगे ही कहेंगे, आवाज़ तो उठाएंगे ही उठाएंगे। तो ये चीज़ें हैं और हम सभी भी रिक्त साथियों और रिक्त सीटों पे और 22,000 सीटों के साथियों से पुनः यही कहना चाहेंगे कि आप लोग इस मुद्दे पे अपना ध्यान बिल्कुल दीजिए, दोनों मुद्दों पे, लेकिन थोड़ा सा आप अगली शिक्षक भर्ती के लिए भी अपना समय निकालना शुरू कीजिए। सोनी जैन जी, स्कूल अलॉटमेंट के बारे में बता दिया है, कल या परसों तक आदेश आ जाएगा, बार बार वही चीज़ें मत पूछिए मैम। तो इस तरह से हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अच्छा, आप जो भी साथी, जो भी आपके प्रश्न हो, थोड़ा सा जल्दी से प्रश्न ले लिए जाएं, फिर हम बात को ख़त्म करते हैं। हम सब तैयार हैं, ओके। लक्ष्मी शंकर जी, बात की जाएगी टीम से और इस मुद्दे को बिल्कुल उठाया जाएगा। आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 14 में इस मुद्दे को हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ले जाने का प्रयास करेंगे और इस पे पुनः के पूर्व में कुछ आदेश भी हुए हैं कि अगर कोई ऐसी लिस्ट है उसको शासन 2 बार में करता है, उस पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई सरकार को दिक्कत नहीं होगी तो आपको क्यों हो रही यार, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। आपको ये अच्छा लग रहा है कि आप 66 गुणांक पा के 56,000 प्लस रैंक पे आप बैठे हो और आज आप बात करते हो आके कि नहीं हमारी सीनियरिटी चली जाएगी, और 74 गुणांक वाली किसी महिला अभ्यर्थी से पूछे जाके, 74.5 और 74.10 गुणांक वाली महिला अभ्यर्थियों से जिसका पहली लिस्ट में चयन नहीं हुआ है, तो ये चीज़ें उचित नहीं है। लड़िए उन मुद्दों के लिए, मैं हमेशा साथ में खड़ा रहूँगा जो मुद्दे अच्छे हैं, जो मुद्दे वास्तविक हैं, जेन्युइन हैं। आप फर्जी की चीज़ें लाएंगे तो मैं उसका विरोध करूँगा। बताइए, अच्छा प्रश्न जल्दी से करिए। 14 दिसंबर को थर्ड काउंसलिंग के लिए सब लोग बिल्कुल, अभय जी आप अगर चाहते हैं बिल्कुल, शैली कटियार भाई मेरी फाइल में पति का नाम की जगह, मैम हमको पर्सनल में फ़ोन करिएगा, मैं बताता हूँ आपका प्रश्न, बहुत लंबा आपने कमेंट किया है। राजेश जी मैंने बता दिया है जूनियर की भर्ती का बताया। संदीप पाठक जी, जूनियर की भर्ती 25 दिसंबर को टेट का नोटिफिकेशन आने जा रहा है, वहीं से जूनियर का प्रारंभ शुरू हो जाएगा। लगभग 4300 से 4500 पदों के बीच में भर्ती आने की पूरी संभावना है। अभय यादव जी, अभी कट ऑफ कुछ नहीं डिसाइड हो सकता जब तक कि सीटें नहीं आ जाएंगी। राजेश कुमार, बिल्कुल होगी थर्ड काउंसलिंग, इसके लिए निश्चिंत रहिए। लखीमपुर में रोज नहीं बुला रहे हैं, वर्मा आर के बहुत अच्छी बात है, नहीं बुला रहे हैं अभी तो, विद्यालय आवंटन के बाद जरूर जाना पड़ेगा, जूनियर में अकेडमी खटवाने के लिए लड़ना चाहिए। रवि शुक्ला जी, इस तरह के मुद्दों पे शासन से बात की जा सकती है, हर चीज़ को कोर्ट के मामले में ले जाना उचित नहीं है, यदि कोई अभ्यर्थी जाना चाहता है तो वो स्वतंत्र है। मनीष शर्मा जी, 22,000 सीटों के लिए बता दिया है, हार्डली 20 तारीख तक आपकी याचिका पहुंच जाएगी। जूनियर में बीटीसी एलिजिबल बिल्कुल है। पवन पाल जी बिल्कुल, 7वें संशोधन के बाद बीटीसी को जूनियर में पूरी तरह से एलिजिबल कर दिया गया है। कंपटीशन होगा, अच्छा कंपटीशन होगा।
चलिए बताइए जल्दी, बधाई हो भाई। धन्यवाद धन्यवाद, आप सभी नवनियुक्त शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और आप सभी अपने नैतिक दायित्वों के प्रति बिल्कुल ईमानदार रहिएगा, ये याद रखिएगा कि कभी भी ये मत भूलना कि किन संघर्षों से आपने नियुक्ति पाई है। और किस, जब आपको नियुक्ति नहीं मिली थी तब आप क्या कहते थे कि जिस विद्यालय में जाएंगे वहाँ के बच्चे को सबसे बढ़िया शिक्षा देंगे। तो आप ये याद रखिएगा कि जिस विद्यालय में आप जाएंगे वहाँ के बच्चों को आपको कम से कम 2 घंटे का समय तो पढ़ाने के लिए बिल्कुल देना है, और जितने आप नवाचार कर पाएंगे वो बच्चे उतने ही बढ़िया रहेंगे। विवेक भाई बिल्कुल, सुप्रभात। कृष्ण कौशिक सुप्रभात भाई। भाई बताएं, प्रश्न जल्दी से करिए, जो भी चीज़ें हैं आपकी ख़त्म हो। संदीप यादव भाई नमस्कार। स्कूल कब मिलेगा? पूजा श्रीवास्तव, स्कूल विद्यालय आवंटन का आदेश संभवतः आज आ जाएगा या कल आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी नवनियुक्त शिक्षकों को, जल्दी से। अच्छा प्रश्न आपके नहीं आ रहे हैं, कोई प्रश्न है किसी साथी का? भाई जल्दी बताएं अगर है तो। चलिए आप लोगों के अच्छा प्रश्न नहीं आ रहे हैं। मिठाई कब खिलाएंगे मैम? मिठाई देखिए, हाँ लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग हमें व्हाट्सएप पे कमेंट वो करते हैं आके कि मिठाई कब खिलाएंगे। अरे भाई हमारी तरफ से आप लोगों के लिए हमेशा जब आप कहेंगे तब मिठाई खिला देंगे। अब आप लोग कहिए, अब तो हमारा मांगने का हक है। टीम के 5 लोगों को आप लोगों ने इतना कहा था कि भाई आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये है वो है, अंततः जीत दिलाइए मिठाई। तो आप लोग मिठाई पहले प्रस्ताव रखिए ना। अरे हम लोग तो मिठाई खिलाएंगे ही खिलाएंगे, हरोए के तनाव नौकर। बिल्कुल भाई, ये अनुज मिश्रा भाई बिल्कुल बिल्कुल। शोभित श्रीवास्तव बिल्कुल चलेंगे बिल्कुल, बस ये लाइव ख़त्म हो जाए मैं तुरंत रामायण में चलने को बिल्कुल तैयार हूँ। चलिए अच्छा, चलिए बात को ख़त्म करते हैं। तो इस तरह से जूनियरिटी सीनियरिटी मुद्दे पे मेरी बात हो गई है, इन्हीं चीज़ों को आगे रखा जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।